ये बारहमासी के फूल हैं, जिसे हम पेरीविंकल भी कहते हैं, विंका भी कहते हैं, सदाबहार भी कहते हैं बारहमासी। तो इसमें क्या रहता है, जब ये फूल रहते हैं और अगर हम इनको तोड़ते नहीं हैं तो इनके बाद ना इनके बीज बन जाते हैं। अब किस कई सारे लोगों को पता नहीं रहता कि इनके बीज एक्चुअली में बनते कैसे हैं और कैसे हम बीज को कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ रहते हैं इनके बीज। तो इनके बीज यहाँ रहते हैं, जैसे कि ये फूल है, तो इस फूल में ये जो सीड पॉट्स दिख रहे हैं, ये फलियां जो दिख रही हैं, यही बीज होते हैं। अब इन बीजों को हमको कब तोड़ना है, हमें ये कैसे पता चलेगा, जब ये बीज हल्के पीले कलर के हो जाएंगे। ये हल्का पीला कलर का हो गया है तो मतलब कि ये बीज हम तोड़ सकते हैं, इस फली को हम तोड़ सकते हैं। और कई सारे बीज जो रहते हैं, कई सारी फलियाँ जो रहती हैं, जैसे कि ये वाली जो है ये अभी ग्रीन कलर की है, तो इसको हमको नहीं तोड़ना क्योंकि अभी ये पूरी तरह पकी नहीं है, इसमें बीज अभी बने नहीं है। जबकि इसके नीचे वाली जो फली है वो हल्के पीले कलर की हो गई है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इस फली को हम ऐसे तोड़ लेंगे और जब ये ड्राई हो जाएगी, अभी हम इसको तोड़ के इसको सिंपल सुखाने के लिए रख देंगे, धूप में नहीं, नॉर्मल छाँव में सुखाने के लिए इसको रख देंगे। और जब ये सूख जाएगा बिल्कुल, जब इसको ऊपर का कवर अपने आप निकल जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो इसमें अपने आप ना सीड्स ब्लैक कलर के निकल आएंगे। तो इस तरह से इसमें और भी सीड्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये जो फली है इसको भी हम तोड़ लेंगे क्योंकि ये भी पक गई है, ये भी येलो कलर की है। और भी कई सारी इसमें लगी हुई हैं, जैसे कि ये है, ये भी हल्की येलो कलर की हो गई है, तो इसको हम तोड़ लेंगे। और एक बाउल में हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। और भी जैसे कि इसमें लगी हुई है, ये अभी पूरी तरह नहीं पकी है क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा अलग है अभी। ये वाली जो फलियां इसमें लगी है, इनका कलर अभी ग्रीन है, ये पकी नहीं है अभी, तो इनको हम अभी नहीं तोड़ेंगे। तो इसी तरह से और भी सारे प्लांट्स हैं, इसमें लगी हुई है, तो इसमें ये येलो कलर की हो गई है, तो इसको हम तोड़ लेंगे क्योंकि ये पक गई है और इसमें सीड्स बन गए हैं अभी। यदि आप फली जल्दी तोड़ लोगे तो इसमें प्रॉपर सीड्स नहीं बन पाएंगे, और प्रॉपर सीड नहीं बनेंगे तो वो स्प्राउट नहीं होगा। तो ये सदाबहार का पौधा है, इसको एकदम फुल सनलाइट चाहिए। सनलाइट से मतलब इसको ये है कि अगर आप डायरेक्ट सन में भी नहीं रखें तो कम से कम ऐसी जगह रखें जहाँ इनको एकदम वार्म टेम्परेचर मिले, गर्म माहौल मिले और एक खुला माहौल मिले, वहीं पर ये लग जाएंगे। तो ये वाइट कलर की है, ये पिंक कलर की है, तो ये पिंक कलर वाले में भी काफ़ी सारी फलियाँ आ रही हैं। तो इसी तरह से हम कलेक्ट कर लेंगे, और बहुत ही इजी है इसको लगाना, कोई एक्स्ट्रा केयर की, कोई खाद की इसको ज़रूरत नहीं रहती। सिंपल बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें मिट्टी में इसकी नमी बनी रहे हमेशा, और एकदम पानी ना भरा हो उसमें। तो बहुत ही इजी है इसको लगाना। अब जैसे कि हम इसकी फली कलेक्ट करेंगे, तो जैसे कि अभी ये है, ये एकदम ग्रीन हो रही है अभी, ये प्रॉपर इसमें सीड्स नहीं बने हैं, देख के आपको पता चल जाएगा। जबकि इसकी जो नीचे वाली है वो हल्की येलो कलर की हो गई है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं क्योंकि ये सीड पॉट बन गया है। ये वाली जो है, ये पूरी फलियाँ एकदम बड़ी हो गई हैं और येलो कलर की हो गई हैं, तो इनको हम तोड़ लेंगे क्योंकि इनमें सीड्स बन गए हैं प्रॉपर। तो इस तरह से आप भी सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं अपने घर की छत पे जो सदाबहार के पौधे लगे हैं। और जब सीड्स ड्राई हो जाएं, जैसे कि अभी हम इसमें कलेक्ट कर रहे हैं, जब ये सीड्स एकदम ड्राई हो जाएगा अपने आप, उसके बाद ये अपने आप इसमें से सीड्स निकल आएंगे ब्लैक कलर की, उसके बाद इनको आप ग्रो कर सकते हैं इजीली।